तो भाई कल मेरे पे एक कमेंट आया कि भाई मेरे पे एक बंदा गाली गलौज कर रहा है, मेरे पे कॉल कर मुझे गाली गलौज दे रहा है, तो ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे कि मैं उसकी सिम को बंद कर सकूं। तो गाइस यार इस वीडियो में मैं इसी तरीके को बताने वाला हूं। कोई आपके फ़ोन पर गाली गलौज करता है या फिर आपको परेशान करता है कोई अननोन नंबर, तो उसकी सिम को आप अपने फ़ोन से ही बंद कर सकते हैं या फिर आप किसी की भी सिम को बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन से बिना आधार कार्ड के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप किसी भी सिम को बंद कर सकते हैं, आप अपनी सिम को बंद कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आपकी सिम चोरी हो चुकी है, खो चुकी है या फिर आपकी सिम को कोई और चला रहा है, तो उस सिम को भी आप बंद कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद सारा कुछ बताने वाला हूं डिटेल में इस वीडियो को, तो इस वीडियो के कहीं पर भी स्किप नहीं करना गाइस। होता क्या है कि हमारी कोई भी सिम हमारा कोई दोस्त फ्रेंड चला रहा होता है, तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि यार इस सिम को बंद करना चाहिए या फिर इससे ये सिम हमको लेनी चाहिए, तो ऐसे में आप अपने फ़ोन से घर बैठे उसकी सिम को अपनी सिम को बंद कर सकते हैं। या फिर आपकी सिम आपकी पर्सनल सिम चोरी हो जाती है, खो जाती है, कहीं पर गिर जाती है, तो ऐसे में आपको डर रहता है कि उस सिम का कोई मिसयूज ना करे, तो आप अपने फ़ोन से ही ऑनलाइन उसे बंद कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ कैसे सब कुछ करना है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यार कर देना। तो गाइस यार सिम बंद करने के लिए उसके लिए आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ जियो सिम को, मतलब कि आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों माई जियो एप्लीकेशन, तो उसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, वो आपको प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध हो जाती है। तो यार मैं यहाँ से उसे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ जिस एप्लीकेशन का नाम है गाइस माई जियो एप्लीकेशन, सो यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लेना। तो गाइस यार मेरा जो है पहले से माई जियो एप्लीकेशन डाउनलोड है, तो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मेरी यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। तो गाइस जैसे ही आप इस माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यार आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, तो आपके सामने आपका नीचे की तरफ फ़ोन नंबर और आपको ये सब कुछ दिख जाएगा। तो गाइस यार यहाँ पर आपको एक बात का आवश्यक ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो जो मैं बता रहा हूँ उसे एकदम ध्यान से सुनना है और एक काफ़ी पेंसिल से नोट कर लेना है जो कि उसकी आवश्यक आपको पड़ेगी। तो उसके लिए आपको थ्री डॉट पर ऊपर क्लिक कर देना है, और थ्री डॉट पर जैसे ही क्लिक करते हो गाइस तो यहाँ पर आपका नाम और नंबर नज़र आएगा दोबारा से, और आपको जाना है नीचे की तरफ सेटिंग में, और सेटिंग में जैसे ही गाइस जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। तो गाइस यार यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये प्रोफाइल वाला जो आइकन देख पा रहे होंगे इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इतना कर लेने के बाद गाइस यार यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो गाइस यार यहाँ पर सबसे पहले नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे डेट ऑफ बर्थ, इसे आपको एक काफ़ी में लिख लेना है या फिर याद कर लेना है क्योंकि इसकी आवश्यकता अभी आपको पड़ेगी। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पर एक अल्टरनेट नंबर देख पा रहे होंगे, अभी जो आपके फ़ोन में जो नंबर है उस फ़ोन नंबर को यहाँ पर डाल देते हो तो भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फ़ोन नंबर डाल सकते हो, मैं तो कहता हूँ कि अल्टरनेट नंबर ही यहाँ पर आप डाल दो, या फिर जीमेल आईडी भी डाल सकते हो। तीनों में से जो मैंने आपको चारों बता दिए हैं उनमें से एक चीज़ को नोट कर लें या फिर अल्टरनेट नंबर को लिख लें, कुछ भी कर लें। अब इतना कर लेने के बाद आपको दोबारा से बैक चले जाना है, और इसकी आवश्यकता अभी पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा से बैक बता देता हूँ, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग में जाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अब नया तरीका बता देता हूँ, यहाँ पर आपको करना है लॉट सेम ब्लॉक और रिप्लेस इस वाले आइकन पर देख पा रहे होंगे, अब इस वाले आइकन पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे ही क्लिक कर देते हो तो गाइस यार यहाँ पर थोड़ा सा वेट लेगा, और वेट और लोडिंग लेने के बाद यार यहाँ पर वे नंबर आ चुका है। अब गाइस यार यहाँ पर आपको क्या करना है, अब गाइस यार यहाँ पर आपको वो फ़ोन नंबर डाल देना है जिस फ़ोन नंबर को आप बंद करना चाहते हो। तो यार यहाँ पर आप वही फ़ोन नंबर डालना जिसको आप बंद करना चाहते हो ध्यान से। तो मैंने एक फ़ोन नंबर डाल दिया है जिसे मैं बंद करना चाहता हूँ। अब उसके बाद प्रोसेस इस पर आपको क्लिक कर देना है, नीचे आप देख पा रहे। अब इस पर जैसे ही क्लिक कर देते हो तो यार गाइस यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप एक काफ़ी में लिख लें डेट ऑफ बर्थ को या फिर अल्टरनेट नंबर को, तो यहाँ पर सेलेक्ट वाले इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको अल्टरनेट नंबर चूज़ कर लेना, आप अपने हिसाब से जो आप कैटेगरी पे क्लिक करते हैं यार यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिख जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डेट ऑफ बर्थ आपने काफ़ी में निकल गई है तो इस पर क्लिक कर देना, या फिर अल्टरनेट नंबर आपने लगा दिया था तो इस पर क्लिक कर देना। तो हमने अल्टरनेट नंबर लगा रखा है तो हम वो कर देंगे, और यहाँ पर आपको यार अपना वो फ़ोन नंबर डाल देना जो आपकी सिम में वो फ़ोन नंबर हो, तो वो फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना। तो गाइस यार यहाँ पर हमने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट पर जैसे ही क्लिक कर देते हो तो यार गाइस तो सबमिट पर क्लिक कर लेने के बाद यार एक बार और आपके सामने आपका फ़ोन नंबर
आएगा, और फ़ोन नंबर आने के बाद यहाँ पर शो होगा आपका फ़ोन नंबर, तो हम यहाँ पर फ़ोन नंबर भी अपना डाल दिए हैं, तो एक बार शो होगा, उसके बाद जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। तो यार आपके फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जो आपके फ़ोन में हो उसी पर। तो गाइस यार यहाँ पर हमने ओटीपी डाल दिया है, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरीके से पेज ओपन होगा, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट रीजन पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट रीजन पर क्लिक करने के बाद सेम लॉस्ट सेम इस पर ही आपको यहाँ पर ही क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, अब यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। तो यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे, तो अब आपकी सेम 100% बंद हो चुकी है। तो गाइस यार अब आपकी सिम 15 मिनट के अंदर या फिर 15 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगी 100%। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते रहे वीडियो में, जब तक के लिए बाय।